हम बात कर रहे हैं मोरप्पन लैब की। आज के दिन की बात करें तो स्टॉक में फ़िलहाल हमको 2% के ऊपर के अपसाइड के साथ स्टॉक ट्रेड करता नज़र आ रहा है। हम देख सकते हैं इस वक्त स्टॉक जो है 59.68 रुपीज़ पर ट्रेड होता नज़र आ रहा है। पिछली ही वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आने वाले एक दो ट्रेडिंग डे में 60 का लेवल ब्रेकआउट देखने के लिए मिल सकता है। स्टॉक ने ब्रेकआउट दिखाया, 62 तक का जंप देखने के लिए मिला, लेकिन हमने कहा था कि 60 के जंप के बाद एटलीस्ट इसके ऊपर क्लोजिंग देना इम्पॉर्टेंट रहेगी। लेकिन एक पॉजिटिव बात यह है कि जब स्टॉक में रिजेक्शन लिया, गिरावट आई है, तो बड़ी सेलिंग इसमें देखने के लिए नहीं मिली। स्टॉक 60 के आसपास ही नज़र आ रहा है, तो हो सकता है आज की क्लोजिंग हमको 60 के ब्रेकआउट पर देखने के लिए मिले। यहाँ से मोरप्पन लैब हमको बड़ी तेज़ी दिखा रह सकता है। हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि जब भी स्टॉक ने 60 के लेवल से रिजेक्शन लिया था, बड़ी सेलिंग देखने के लिए नहीं मिल रही थी। 54 के लेवल को सपोर्ट बनाकर काम कर रहा था, ब्रेकडाउन भी कर रहा था लेकिन अगेन रिकवरी देखने के लिए मिली थी। तो इन्हीं सारे बेस पर हम कह रहे हैं कि स्टॉक 60 का लेवल ब्रेकआउट कर सकता है और बड़े टारगेट आने वाले कुछ दिनों में हमको यानी शॉर्ट टर्म में स्टॉक दिखाता नज़र आ सकता है। अब इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो देख सकते हैं कहाँ रिजेक्शन फेस किया था स्टॉक ने, 58 के लेवल पर इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। ब्रेकडाउन कर जाता है तो तगड़ा सपोर्ट रहेगा 54 का लेवल, जहां मल्टीपल्स टाइम स्टॉक सपोर्ट ले चुका है और जब तक स्टॉक 50 के ऊपर है अपसाइड के चांस मोरप्पन लैब में बने हुए। अब गिरावट आई थी तो चार्ट पैटर्न देखिए, बाउंस बैक हो रहा है और अपने हाई के आसपास है, तो ब्रेकआउट के चांस बनेंगे। और ओवरऑल चार्ट पैटर्न की अगर बात करें मोरप्पन लैब की, तो ओवरऑल चार्ट पैटर्न भी हम देख सकते हैं लगातार हमको तेज़ी दिखाता नज़र आ रहा है। लगातार अप ट्रेंड हमको मोरप्पन लैब में देखने के लिए मिल रहा है। तो अब 60 के लेवल पर ही हमारी नज़रें रहेगी, इसका ब्रेकआउट देखने के लिए मिल सकता है। हमने इसके ब्रेकआउट के ऊपर डिस्कस भी किया था, 62 इमीडिएट टारगेट, ऑलमोस्ट वहीं तक का जंप आज के दिन स्टॉक ने दिखाया। तो 60 के ब्रेकआउट के बाद इमीडिएट टारगेट 62 का लेवल ब्रेकआउट कर जाता है तो नेक्स्ट टारगेट 64 और इस बाउंस बैक के साथ जो मेजर रेजिस्टेंस फेस करेगा 70 और 74 तक के भी टारगेट स्टॉक दिखा सकता है। यहाँ तक का भी जंप हमको मोरप्पन लैब में देखने के लिए मिल सकता है। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।